मैं क्या कर, चींटी भी गिर गई यहां, तो यहां पर मैं जो गुड़ दे रहा हूं, तो अगर मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं पागल हूं, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, मैं 1.5 kg का बाड़ तो चढ़ाया था, इसमें 4 चींटी भी गिर गई, तो आपको चींटी के वेट के बराबर ज्यादा गुड़ आपको दिया हूं, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा मैं बोलूंगा क्या? अगर मैं पागल हूं तो बोलूंगा, और पागल नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? मेरे पास बहुत सारा गुड़ है इसलिए नहीं। बाट के ऊपर चींटी गिर गई है, तौलते समय चींटी गिर गई थी, तो हो सकता है कि मैं चींटी के वेट के बराबर ज्यादा गुड़ दिया होऊंगा, पर क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरे को ज्यादा पैसा दो? मैं नहीं बोलूंगा। कारण क्या है कि चींटी का वेट नेग्लिजिबल है। यहां पर 3 चीज है, 1.5 kg का एक बाट तो आता नहीं, क्या क्या चढ़ाए आप? 1 kg का एक चढ़ाए, 500 ग्राम मतलब 1/2 kg का एक चढ़ाए, और 4 चीटी। तो कायदे से आप इतना वेट तौले, इतना वेट यूज किए, पर इसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इसका वेट क्या है, इनके रेस्पेक्ट में इनका वेट क्या है, नेग्लिजिबल है। वही चीज यहां पर होता है। हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से इतना गुना कम होता है, या बोलो कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से इतना गुना ज्यादा होता है। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास नेग्लिजिबल है। अब है कितने पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, उसमें से इसका मास नेग्लिजिबल है, और इन्हीं दोनों का मास है जो भी है। तो एटम का बेसिकली जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। किनके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है, तो मेन चीज क्या हो गया, जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के मास को उसमें काउंट नहीं किया जाता है। अब तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटम के मास के लिए कौन सा पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के मास के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखिए, तो जो पार्टिकल एटम के मास के लिए रेस्पॉन्सिबल है उनके नंबर का सम कहलाता है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपसे पूछा जाएगा एटम के मास के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो क्या बोलेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए एटम के मास के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एटम के मास के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मास के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। तो जो पार्टिकल